तो यहाँ पर भाई देखो, अगर आप भाई Realme 9i डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप Realme 9i यूजर्स के लिए भाई सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ भाई, आपने एकदम सही सुना, Realme 9i डिवाइस के अंदर भाई फाइनली Realme की तरफ से एक और न्यू बहुत ही ज़्यादा कमाल का न्यू अपडेट भाई रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज की वीडियो में हम भाई आपको बताएंगे Realme 9i डिवाइस के अंदर आपको कौन से वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट देखने को मिला है भाई, यहाँ पर इंडिया पे अपडेट का साइज कितना है, एंड इस न्यू अपडेट के बाद आपके Realme 9i डिवाइस के अंदर भाई आपको और क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलता है आपको Realme की तरफ से। तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। जी हाँ भाई, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा अपडेट के दौरान आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है एंड आपको क्या क्या अमेजिंग न्यू फीचर्स ऐड कर देगा इस अपडेट के बाद। उससे पहले भाई चैनल पर नए आ रहे हो और Realme 9i 4G डिवाइस का यूज़ करते हो भाई, तो यहाँ पर फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। जी हाँ भाई, फ्यूचर पे जो भी अपडेट्स आएंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सब कुछ कर देना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ भाई मुझे कमेंट करके बताना Realme 9i डिवाइस का कौन सा कलर वेरिएंट यूज़ करते हो, ठीक है ना। कमेंट करके प्लीज़ बताना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस कमाल के वीडियो को यहाँ पर जल्दी से हम लोग भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ भाई, Realme 9i डिवाइस के अंदर मार्च महीने के दौरान जो न्यू अपडेट भाई, जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिस्टम अपडेट कोई भी आप बोल सकते हो, वो देखने को मिला है भाई। अपडेट का यहाँ पर वर्सन है C.09। जी हाँ भाई, C.09 वर्सन के दौरान एक और न्यू बहुत ही ज़्यादा कमाल का न्यू अपडेट भाई इंडिया पे Realme 9i डिवाइस के अंदर आपको देखने को भाई मिल चुका है। तो अगर आपके पास भाई Realme 9i डिवाइस है तो यहाँ पर आपको एक काम करना है भाई। जी हाँ, सबसे पहले आपके डिवाइस की सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद आपके डिवाइस की सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पे जाके आपको चेक करना है भाई। ये जो C.09 का अपडेट है, C.09 का जो न्यू अपडेट है आपके डिवाइस के अंदर, ये अपडेट आपको देखने को मिला है भाई या फिर देखने को आपको नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आपको अपडेट नहीं मिला है भाई तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। जी हाँ, इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपको कैसे अपडेट करना होगा, आपके Realme 9i डिवाइस को आप कैसे अभी कभी अपडेट करेंगे, वो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा भाई। तो वीडियो को यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अपडेट की हम लोग साइज़ की बात करें तो 580 MB, जी हाँ भाई, 580 MB के दौरान एक मीडियम साइज़ का अपडेट देखने को मिला है भाई यहाँ पर इंडिया पे Realme 9i डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर भाई लोग अब हम लोग बात करते हैं, ये जो C.09 का न्यू अपडेट देखने को मिला है Realme 9i डिवाइस के अंदर, इस अपडेट के बाद आपको और क्या क्या न्यू अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मार्च 2023 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिग्नोपाइज देखने को मिला है। जी हाँ भाई, ये मुझे पर्सनली भाई बहुत ही बढ़िया फीचर लगा, इस अपडेट के बाद आपको एकदम लेटेस्ट मार्च 2023 का मार्च का एंड्रॉयड सिग्नोपाइज प्रोवाइड किया गया है इस अपडेट के बाद आपके Realme 9i डिवाइस के अंदर। उसके बाद इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद देखो, सिस्टम के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलता है, इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस इन सम सिनेरियोस। जी हाँ भाई, इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के भाई सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव एंड काफ़ी ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। जी हाँ, ये जो C.09 न्यू अपडेट है मार्च महीने का लेटेस्ट अपडेट, इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के भाई सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। यानी इस अपडेट को करने के बाद आप जैसे आपके डिवाइस को नॉर्मल ऐसे यूज़ करोगे, स्क्रॉल करोगे, एप्लीकेशन को कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, या फिर भाई आप कोई भी काम करोगे, तो ये जो C.09 न्यू अपडेट, इस अपडेट के बाद आपको काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यानी आपका डिवाइस भाई काफ़ी स्मूथ यहाँ पर चलने वाला है, आपको एकदम ही लैग वगैरह, हैंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को एकदम ही नहीं मिलेगा भाई। इस अपडेट के बाद आपको काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है, इन्हें डिवाइस की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा भाई ऑप्टिमाइज कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। उसके बाद देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इंडिया पे Realme 9i डिवाइस के अंदर भाई बैटरी ड्रेन इशू मिलता था। जी हाँ, बैटरी ड्रेन होता था। तो ये जो C.09 न्यू अपडेट है, जी हाँ भाई, मार्च महीने के दौरान ये जो C.09 का न्यू अपडेट है, इस अपडेट के दौरान आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको भाई पिछले अपडेट के दौरान बैटरी ड्रेन इशू देखने को मिलता था, बैटरी ड्रेन होता था, तो ये जो C.09 का न्यू अपडेट है भाई, इस अपडेट को आप कर लेना। इस अपडेट को करने के बाद आपको एकदम ही बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपका डिवाइस का जो बैटरी भाई काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छा खासा चलने वाला है। यानी बैटरी ड्रेन इसको एकदम ही भाई फिक्स कर दिया गया है, यानी बैटरी ड्रेन आपको एकदम ही भाई देखने को नहीं मिलेगा ये जो C.09 वाला न्यू अपडेट है। इस अपडेट के बाद बैटरी परफॉर्मेंस को भाई काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है इस अपडेट के बाद।
उसके बाद भाई देखो बहुत सारे लोग रियलमी 9i डिवाइस के अंदर गेम खेलते हैं भाई, कोई पबजी खेलता है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई BGMI खेलता है। तो जो चारों गेम्स का मैंने आपको नाम बताया भाई, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर एंड BGMI, इन चारों गेम्स में से आप कौन से गेम को खेलते हो आपके रियलमी 9i डिवाइस के अंदर, वो मुझे कमेंट करके बताना कि इन चारों गेम्स में से आप कौन से गेम को खेलते हो भाई आपके डिवाइस के अंदर। तो देखो भाई ये जो C.09 का न्यू अपडेट है, इस अपडेट के बाद आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। जी हाँ, इस अपडेट के बाद भाई आपको गेम खेलने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, यानी गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी इंप्रूव एंड काफ़ी स्टेबल कर दिया गया है। यानी अगर आप गेम खेलते हो सारा दिन आपके रियलमी 9i डिवाइस के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी लैग वगैरह, हैंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आपका डिवाइस भाई एकदम ही लैग नहीं करेगा, आपको एकदम भाई स्टेबल फ्रेम रेट के साथ अच्छा बढ़िया स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। यानी आपको गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है इस अपडेट के बाद। यानी गेम खेलते टाइम आपको कोई भी लैग वगैरह, हैंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को यार एकदम ही देखने को नहीं मिलेगा। यानी गेम आपका काफ़ी बढ़िया चलने वाला है। तो देखो भाई ये जो C.09 का न्यू अपडेट है रियलमी 9i डिवाइस के अंदर, ये सिर्फ भाई ऑनली सिक्योरिटी पैच का अपडेट है। जी हाँ, सिक्योरिटी पैच को मार्च का करने के लिए रियलमी ने यह अपडेट प्रोवाइड किया है आपके रियलमी 9i डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे रियलमी 9i डिवाइस के अंदर कौन से वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट आपको इंडिया पर देखने को मिला है, अपडेट का साइज़ क्या है, एंड इस न्यू अपडेट के बाद भाई आपको और क्या क्या न्यू अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं आपके रियलमी 9i डिवाइस के अंदर। तो भाई देखो अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, आप अपडेट कर लो। और ये वाला अपडेट भाई ये जो C.09 वाला न्यू अपडेट है आपके रियलमी 9i डिवाइस के अंदर, अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है भाई तो आपको क्या करना होगा भाई, अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पर आपको 7 से लेकर 10 दिन वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, एक हफ्ता वेट करो, एक हफ्ता या फिर 10 दिन आप वेट करो, एक हफ्ते के अंदर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पे ये जो C.09 वाला न्यू अपडेट है, ये अपडेट आपको डेफिनेटली भाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आज की वीडियो का लाइक जरूर से कर देना। जी हाँ भाई, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो का लाइक जरूर से कर देना भाई। उसके साथ भाई आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो भाई आप शेयर जरूर से कर देना। जी हाँ भाई, अगर आप शेयर कर दोगे आपके सारे दोस्तों को पता चल जाएगा रियलमी 9i डिवाइस के अंदर न्यू अपडेट कौन से वर्जन के दौरान देखने को मिला है, अपडेट का साइज़ कितना है, एंड इस न्यू अपडेट के दौरान रियलमी 9i डिवाइस के अंदर भी आपको और क्या क्या फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ भाई, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी आप जरूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे, जी हाँ भाई फ्यूचर पे रियलमी 9i डिवाइस के अंदर रियलमी जो भी अपडेट्स रिलीज करेंगे उसका वीडियो भाई आपको सबसे पहले हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप सब कुछ कर सकते हो, और कमेंट करके बताना इस C.09 अपडेट के बाद आपका डिवाइस कैसा चल रहा है, आपका डिवाइस के अंदर आपको लैग देखो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आपको बैटरी परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है भाई, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस यार, आपको वीडियो देखने के लिए भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाई धन्यवाद।